कोटेगांव स्थित एक गैंग को पकड़ा गया है। 6 लोगों को जो है 420, 467, 120 दिन में जेल भेजा गया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को नरसिंहपुर पुलिस ने धर दबोचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि लगभग 6 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गोटेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे बताया कि आरोपियों द्वारा क्षेत्र एवं आसपास के लोगों को यह कहकर खाता खुलवाया जाता था कि हम आपको लोन दिलवाएंगे और आपका सिविल स्कोर बढ़ाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राशि का लोन मिल सके। इस प्रकार से झांसा देकर बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM एवं खाता आरोपी आकाश राजपूत को बेचा करते थे और ऐसे खातों में अनाधिकृत लेन देन किया करते थे जिसकी जानकारी खाता धारक को भी नहीं मिल पाती थी। ठगी का शिकार हुए शिवम ने गोटेगांव पुलिस में कुछ दिन पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी। उसके खाते से लगभग 8 से 9 लाख रुपयों का ट्रांजैक्शन किया गया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की, जिसके बाद मुखबिरी एवं तकनीकी माध्यमों के द्वारा आरोपियों को धर दबोचा गया। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि 35 अलग अलग बैंक खाते खुलवाकर इन खातों में कई प्रदेशों में लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपयों का अनाधिकृत लेनदेन किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कार, ATM, पासबुक, चेकबुक एवं 6 मोबाइल सहित 35 बैंक खाते की जानकारी पाई गई। हमारे द्वारा गोटेगांव स्थित एक गैंग को पकड़ा गया है। 6 लोगों को जो है 420, 467, 120 दिन में जेल भेजा गया है। इनका पूरा पर्पस ये था कि ये जो नरसिंहपुर की जो भोली भाली जनता थी उसको उसके नाम पे जो है अकाउंट्स खुलवाते थे और ये अकाउंट जो है फिर सारे पासबुक और सारे ATM वगैरह ले करके जामताड़ा या बंगाल भेज दिए जाते थे। पूरा फ्रॉड का पैसा जो कि जामताड़ा, मेवात या बंगाल से आता था, फ्रॉड होता था, वो सारे पैसे इन अकाउंट्स में आते थे और उसके बाद ये पैसे कुछ कमीशन पे यहाँ पे निकाल लिए जाते थे और बाकी पैसा फिर से जो है हवाला के थ्रू जो है ये वापस जामताड़ा या बंगाल चला जाया करता था। इसको लेकर के हमारे द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई एक किया गाड़ी जो है जब्त की गई है जो कि इन फ्रॉड के पैसे से खरीदी गई थी। कई मोबाइल, कई ATM कार्ड, कई सिम जब्त किए गए हैं और ये जो आरोपी थे जिन ग्रुप्स में जुड़े थे उसमें 7,500 से 8,000 लोग जो है जुड़े हुए हैं और वे सभी जो है इसी तरीके से, चाहे सिम फ्रॉड हो या गेटवे फ्रॉड हो या फ़ोनपे या QR फ्रॉड हो या ATM फ्रॉड हो, इन सभी में संलिप्त हैं। ऐसे में जो है सभी डिटेल्स हमारे द्वारा जितने भी व्यक्ति उन सभी की निकाली गई है और हमारे द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IFOC दिल्ली को जो है ये डेटा प्रदाय किया जाएगा ताकि वो भी अपने स्तर पर इन आरोपियों को जो भी बचे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये काम कर रहे हैं फ्रॉड का, उस पर जो है आगे कार्रवाई की।